राइट, तो आज की जो वीडियो का टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिक्यूशन। अब आई एम नॉट एक्चुअली होम, आई एम इन यूनिवर्सिटी वेल रिकॉर्डिंग दिस, तो देर कुड बी सम बैकग्राउंड नॉइस एंड आई एम ऑल्सो टॉकिंग टू माई सेल्फ, तो प्रॉबली बंदे मुझे अजीब नज़रों से देखेंगे, बट ठीक है, दैट्स पार्ट ऑफ दैट, बिकॉज मुझे लास्ट कुछ वीडियोज जल्दी अपलोड करनी है, सो आई विल ट्राई टू बी लाइन फॉर एज मैनी वीडियोज आई कैन मेक इन यूनिवर्सिटी एज वेल। अब तो आज की जो वीडियो है दैट वी आई बी टीचिंग द टॉपिक दैट इज़ द इलेक्ट्रिक्यूशन। हमने लास्ट वीडियो में थर्मल बर्न्स को डिस्कस किया था, जिसमें हमने ड्राई बर्न्स, कैल्स, ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी। तो ड्राई बर्न्स ऑब्वियसली द बर्न्स दैट यू गेट फ्रॉम टचिंग फ्लेम या फिर कोई हॉट सॉलिड है उसको टच करने से हो गया, दैट इज़ द ड्राई बर्न। फिर हमारे पास आता है स्केल्स जो लिक्विड, हॉट लिक्विड को टच करने से हो रहे थे, तो ये थे। फिर हमने फिर उसकी बहुत डिटेल में डिस्कस किया, उसकी पोस्टमार्टम वगैरह, उसकी अपियरेंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग देम, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी। अब जो इस वीडियो का जो टॉपिक है दैट इज़ द इलेक्ट्रिक बर्न्स, इलेक्ट्रिक बर्न्स एक इलेक्ट्रिक्यूशन दैट इज़ द डैमेज टू टिश्यूज। Due to electric current. ठीक है, तो damage to tissues due to electric current is known as electrocution. अब electrocution या फिर electric burns के जो types हैं, there are three types of electrocution या electric burns. Number one type is your contact burn. Number two is your spark burn. And number three is a flash burn. ठीक है, अब contact burn जो है ना, सबसे पहला जो है हमारे that occurs जब there is close contact with the source of current. ठीक है, बिल्कुल तार के साथ कोई इलेक्ट्रिक वायर है उसके साथ क्लोज कॉन्टेक्ट हो गया, तो फिर उससे जो बर्न होगा दैट इज दी कॉन्टैक्ट बर्न। सही है, अब होता कुछ ये बिल्फर्स, अगर ये बंदा है ठीक है, उसके चलो बिल्फर्स चलो हाथ में ही तार दे देते हैं, तो करंट जो पास होगा वो एक एंटर होगा एक साइड से एंड देन फिर वो लीव करेगा दूसरे साइड पर, और डिपेंड करता है ऐसे भी जा सकता है, नीचे पाँव से भी जा सकता है, डिपेंड करता है उस पर। ठीक है, तो इसका एक एंट्री साइट होगी या एंट्री लीजन होगा और एक इसका एग्जिट लीजन होगा। ठीक है, तो ये है हमारा कॉन्टैक्ट बर्न। अब एंट्री लीजन में हमें क्या मिलेगा, इसके एंट्री लीजन में हमें इसके मिलेंगे बेसिकली कोई इन्फ्लेमेशन उस पर नहीं मिलेगी, हमें मिलेगा पेल वाइट लीजन विथ कॉरिगेटेड विथ कॉरिगेशन ज़्यादा या फिर विथ कॉरिगेटेड मार्जिन्स। ठीक है, और एग्जिट लीजन जो होगा उसका या फिर एग्जिट वून जो होगा वो लेसरेटेड होगा। ठीक है, दैट इज़ योर कॉन्टैक्ट बर्न। फिर हम आते हैं स्पार्क बर्न पे। स्पार्क बर्न बेसिकली ये है कि इट इज़ बेसिकली लूज कॉन्टैक्ट कहलाता है, ये लूज कॉन्टैक्ट। इसमें क्या होता है कि हमारे पास पाम ऑफ द हैंड एंड सोल ऑफ द फीट, ये एरियाज वो हैं, कौन से दो बोले मैंने, पाम ऑफ हैंड एंड सोल ऑफ फीट, ये दो वो एरियाज हैं जो वेल इंसुलेटेड एरियाज होते हैं। ठीक है, अब वो वेल इंसुलेटेड एरियाज क्या करते हैं, करंट को पास बेसिकली नहीं होने देते या फिर बहुत कम होने देते हैं। ठीक है, क्योंकि वो ड्राई भी होते हैं, उनमें थिकनेस भी होती है, तो वो पास नहीं होने देते सही तरीके से उसको, तो इस वजह से क्या होता है कि वो करंट एंट्री लीजन तो बनेगा पर एग्जिट लीजन नहीं बनेगा, और जो एंट्री लीजन बनेगा भी वो इतना ज़्यादा कुछ ज़्यादा खास नहीं होगा, वो पेल येलो कलर का होगा और माइनर लीजन होगा। ठीक है, दैट इज योर स्पार्क बर्न। राइट, अब जो फाइनल बर्न जो बच गया हमारा वो है फ्लैश बर्न। अब फ्लैश बर्न जो है दैट इज़ बेसिकली हाई वोल्टेज की वजह से जो बर्न होता है। ठीक है, अभी हाई वोल्टेज में कांटेक्ट हो तो दैट विल बी ऑब्वियसली बैड, लेकिन कांटेक्ट करने की इवन ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, इसको हम बाद में भी डिस्कस करेंगे वो ये कैसे होता है, लेकिन
ठीक है, कांटेक्ट नीडेड नहीं होता, लेकिन कांटेक्ट हो तो बहुत बुरा होगा। ठीक है, कांटेक्ट भी हो सकता है, नो कांटेक्ट भी हो सकता है ये। फिर उसके अलावा इसमें क्या होगा कि शारिंग ऑफ टिश्यूज़ होगी, पूरा बॉडी पे अफेक्ट होगा, टिश्यूज़ ब्लैक होंगे क्योंकि बर्न इतना सीवियर होगा। थिंक ऑफ योर लाइटनिंग स्ट्राइक वाले बर्न, तो वैसे तरीके के होंगे। उसके अलावा हम कहते हैं आर्बर रिफेंट पैटर्न, आर्बोरेसेंट है या आर्बोरेसेंट, आई एम फॉरगेटिंग द स्पेलिंग ऑफ फॉर इट, आई थिंक आर्बोरेसेंट है रादर। उसमें क्या होता है, बेसिकली ट्री लाइक पैटर्न बन जाता है इन द बॉडी, क्योंकि लाइटनिंग स्ट्राइक की वजह से या फिर कोई हाई वोल्टेज करंट की वजह से वो करंट का पैटर्न बनेगा, तो सॉर्ट ऑफ ट्री लाइक नज़र आता है, तो उसको बोलते हैं आर्बोरेसेंट पैटर्न। ठीक है, आर्बोरेसेंट पैटर्न। और फाइनली एक और चीज़ होगी, ड्यू टू द डैमेज और कॉगुलेशन ऑफ टिश्यूज वगैरह, क्रोकोडाइल स्किन अपियरेंस होगी। ठीक है, तो ये हो गए हमारे थ्री टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक बर्न्स। राइट, अब जो हमें चीज डिस्कस करनी है, दैट इज द फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रिक बर्न्स। ठीक है, तो उसमें हमारे पास जो आ जाते हैं, दैट इज सबसे पहली चीज़ होगी कि स्ट्रेंथ ऑफ करंट। करंट जितना स्ट्रांग होगा ऑब्वियसली उतना ज़्यादा बर्न आपको होगा, उतना ज़्यादा बर्न बंदे को होगा रादर। ठीक है, उसके अलावा एसी एंड डीसी करंट, एसी करंट का जो बर्न होता है दोज आर मोर सिवियर देन डीसी करंट के बर्न्स। ठीक है, उसके अलावा ड्यूरेशन ऑफ बर्न, ड्यूरेशन ऑफ कॉन्टैक्ट, ड्यूरेशन ऑफ कॉन्टैक्ट का सीन ये है कि ऑब्वियसली इट ऑल्सो मेक सेंस, जितनी ज़्यादा कॉन्टैक्ट होगा विथ द बर्न और विद द रादर इलेक्ट्रिक करंट, उतना सीवियर बर्न होगा। उसके अलावा हमारे पास आ जाता है प्रिपेयर्डनेस फॉर शॉक। इसमें यह है कि अगर आप प्रिपेयर्ड हो के इलेक्ट्रिक करंट लगने वाला है तो उसका फिर कम असर होता है देन योर अगर प्रिपेयर नहीं हो। पाथवे ऑफ करंट, पाथवे ऑफ करंट इसको मैं डेफ में और भी डिस्कस करूँगा, इसको अभी मैं टच नहीं कर रहा इतना। उसके अलावा पार्ट्स ऑफ बॉडी अफेक्टेड, पार्ट्स ऑफ बॉडी अफेक्टेड का भी हम डेस्ट में डिस्कस करेंगे, इसको भी मैं ज़्यादा डेस्ट नहीं कर रहा, लेकिन यू कैन मेक सेंस के हर पार्ट ऑफ बॉडी का सेम रिस्पॉन्स नहीं होगा, कोई पार्ट ऑफ बॉडी ज़्यादा सीवियरली डैमेज होगी, कोई पार्ट ऑफ बॉडी कम सीवियरली डैमेज होगी। उसके अलावा अर्थ्स कॉन्टैक्ट विद अर्थ्स, क्योंकि अर्थ जो होता है वो अक्सर इलेक्ट्रिक करंट को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है, इसलिए कॉन्टैक्ट विद अर्थ्स अर्थ्स विल मेक इट मोर सीवियर। सही है। एंड देन फाइनली इलेक्ट्रिकल वोल्टेज, इलेक्ट्रिकल वोल्टेज का ये सीन है कि 100 आई एंड 60 साइकिल्स पर सेकेंड, ये बेसिकली यूनिट है फॉर इलेक्ट्रिकल वोल्टेज वगैरह, वोल्ट्स भी होता है लेकिन इसको ऐसे भी करके। ठीक है, इसका ये सीन है कि दिस इज़ द सेफ वोल्टेज वगैरह, लाइक ये वोल्टेज है, इवन आपको करंट लग भी गया तो बर्न इतना सीवियर नहीं होगा, लेकिन अगर यही 200 आए 60 साइकिल्स पर सेकेंड हो तो दैट इज़ योर लीथल। ठीक है, तो वोल्टेज ऑब्वियसली जितनी ज़्यादा वोल्टेज होगी उस पर आपको उतना ज़्यादा अफेक्ट होगा इलेक्ट्रिकल बर्न का। उसके अलावा देयर इज थ्री फिनोमेनन्स जो हमें देखने को मिलते हैं विथ हाई वोल्टेजेस, लाइक डिफरेंट लेवल्स ऑफ वोल्टेज। नंबर वन इज़ द होल्ड ऑन इफेक्ट, नंबर टू इज़ द थ्रो ऑफ इफेक्ट, एंड देन नंबर थ्री इज़ द आर्किंग इफेक्ट। सही है। अब होल्ड ऑन इफेक्ट क्या है? होल्ड ऑन इफेक्ट बेसिकली तब होता है जब 220 वोल्ट्स अराउंड दैट आपकी वोल्टेज हो। इसमें क्या होगा, मसल स्पैज़म होगा जैसे ही करंट आएगा, तो विलफर्ज ये बंदा है, इसने होल्ड किया हुआ है, यहाँ से 220 वोल्ट का करंट आया,
तो उससे मसल स्पैजम हो गया तो उसने होल्ड ऑन करके रख दिया उधर को, तो करंट लगता जाएगा लगता जाएगा लगता जाएगा। ये अक्सर किसी ने देखी हो, फेसबुक पे भी वीडियोज़ आ रही होती हैं करंट की, लाइक इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह की, तो वो होल्ड करके रखते हैं अक्सर तारें, तो ये इसकी वजह है कि मसल स्पैजम हो जाता है तो इसलिए वो होल्ड करके रख देते हैं। दिस इज़ एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज्ड इंजरीज, इंक्रीज्ड कॉजेज और इंक्रीज्ड डेथ्स रेट्स इन दी इलेक्ट्रिक बर्न्स, क्योंकि होल्ड ऑन इफेक्ट की वजह से मसल स्पैजम हो गया, वो उसने करंट छोड़ा ही नहीं, वो इलेक्ट्रिक बर्न होता गया होता गया होता गया। ठीक है, थ्रो ऑफ इफेक्ट ये 440 वोल्ट्स पे होता है एंड इसमें क्या होता है, मसल रिलैक्सेशन होती है बेसिकली। तो वही बंदा ले लेते हैं, करंट पास हुआ, उसने रिलैक्स हो गया मसल, हाथ छूट गया तो तार नीचे गिर गई, तो अब ये बंदा बच जाएगा। तो ये दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीज्ड डेथ एंड सेविंग द अदर सेविंग द पर्सन्स लाइफ। ठीक है, फिर आता है आर्किंग इफेक्ट, ये हाई वेरी हाई वोल्टेज पे होते हैं, 11 किलो वोल्ट की स्पीड उस पर। ये बेसिकली होता है कि सिंस ये इतनी स्ट्रॉन्ग वोल्टेज है, इसमें आपको कॉन्टेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है टू डैमेज फॉर इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, वो नहीं बोलते कि इलेक्ट्रिकल टावर्स के सामने भी नहीं जाना चाहिए, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि उधर इतनी ज़्यादा वोल्टेज होती है कि वो इवन विदाउट कॉन्टैक्ट बंदे को इलेक्ट्रीफाई कर सकती है। सही, तो दैट इज़ द आर्किंग इफेक्ट। अब हम आ जाते हैं पाथवे ऑफ करंट पर। पाथवे ऑफ करंट जो है, देयर इज बेसिकली फोर सिचुएशंस, लेकिन आई विल शो हाउ देयर इज फोर, ड्रॉ थ्री कर रहा हूँ फिर भी। ठीक है, तीन बंदे हैं, सही है, तीनों का करंट से कॉन्टैक्ट आया। इसका जो करंट का कॉन्टैक्ट है, ये वन हैंड से गया एंड दूसरे फीट से गया। ठीक है, राइट साइड के हैंड से एंटर हुआ एंड लेफ्ट साइड के फुट से चला गया। पर्सन टू का है, या तो ये राइट हैंड से एंटर हुआ लेफ्ट हैंड से गया, या फिर ये राइट फुट से एंटर हुआ लेफ्ट फुट से चला गया। पर्सन थ्री का क्या है, हेड से एंटर हुआ और फुट से गया। ठीक है, पर्सन वन का जो करंट पास हुआ है, इट विल एक्चुअली पास थ्रू द हार्ट एंड इट विल पास थ्रू द लंग्स। ठीक है, पर्सन टू का इस वाइटल ऑर्गन सारे के सारे स्पेयर्ड होंगे, कोई पास नहीं होगा करंट। एंड पर्सन थ्री में ब्रेन स्टेम के थ्रू जाएगा, ब्रेन के थ्रू जाएगा, तो सबसे ज़्यादा डैमेज होगा ना वन को होगा और थ्री को होगा, टू को कोई डैमेज नहीं होगा क्योंकि वाइटल ऑर्गन सारे स्पेयर्ड हैं। उसको ऑब्वियसली डैमेज इंजरी आ सकती है, लेकिन वाइटल लाइक लीथल डैमेज नहीं होगा। लेकिन वन का हार्ट अफेक्ट होगा, और जैसे हम पढ़ेंगे बाद में कि हार्ट अफेक्ट होने से क्या होगा वो हम बाद में पढ़ेंगे, और थ्री का ब्रेन स्टेम अफेक्ट होगा, तो फिर वो भी हम पढ़ेंगे कि ब्रेन स्टेम अफेक्ट होने से क्या होता है। तो ये दोनों वन और थ्री लीथल हैं, सही है। फिर अब हम आ जाते हैं दैट इज पार्ट्स ऑफ बॉडी अफेक्टेड। सबसे पहले जो हमारे पार्ट ऑफ बॉडी है, उसको स्किन को डिस्कस करते हैं। स्किन में जो ड्राई स्किन है हमारी, खासकर पाम ऑफ हैंड, सोल ऑफ फुट, उधर जो करंट होता है ड्यू टू इंसुलेशन वो पास नहीं होता, तो दैट इज़ लाइक उन पर कम अफेक्ट होता है ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फिर हमारे पास आ जाती है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स की जो रेजिस्टेंस है, इंसुलेशन है, वो बहुत कम होती है, तो मोर अफेक्ट होता है ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सही है। फिर हमारे पास आ जाती हैं लंग्स। लंग्स में वो हेमरेजेस डैमेज वगैरह करवाता है, रेस्पिरेटरी अरेस्ट करवा देता है। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं हार्ट। हार्ट में ये या तो वीफिप कराएगा या फिर ये एसिस्टली करा देगा, लेकिन हार्ट कंट्रैक्ट करना बंद कर देगा। ब्रेन में ये क्या कराता है कि ब्रेन में हेमरेजेस करवाते हैं, ब्रेन और ब्रेन स्टेम में हेमरेजेस कराता है और वाइटल सेंटर्स को डैमेज करता है। एंड फाइनली बोन और मसल्स में क्या करवाता है, ये कन्वर्जन्स एंड कंट्रैक्शंस वगैरह करवाता है।
ठीक है, तो दैट इज दी पार्ट्स ऑफ बॉडी अफेक्टेड. ठीक है, अब हम देखते हैं कॉज ऑफ डेथ क्या हो सकता है इन इलेक्ट्रिक्यूशन. कॉज ऑफ डेथ जो होगा ना इलेक्ट्रिक्यूशन में, इमीडिएट कॉज ऑफ डेथ जो होता है वो या तो वीफिब है, या फिर वेगल इनहिबिशन है, या फिर एक्सफिक्सिया ड्यू टू रेस्पिरेटरी एरर्स वगैरह. डिलेड कॉज इज ड्यू टू कॉम्प्लिकेशंस ऑफ बर्न, वही सेप्सिस, हेमरेजेस वगैरह जो भी है. फिर हम आ जाते हैं पोस्टमार्टम अपियरेंस पर इलेक्ट्रिक्यूशन की. तो एक्सटर्नली हमें क्या मिलेगा, प्यूपल्स हमारे पास डायलेटेड होंगे, कंजेस्टेड आईज होंगी, ठीक है, हमें स्किन लीजन्स मिल सकते हैं, लाइक स्किन लीजन्स फॉर इलेक्ट्रिक बर्न्स वगैरह मिल सकते हैं. उसके अलावा इंटरनली हमें क्या मिलेगा, सेरिब्रल एंड पल्मोनरी एडीमा मिलेगा. ठीक है, उसके अलावा राइट साइड ऑफ हार्ट डायलेटेड होगा. ठीक है, उसके अलावा हमें क्या मिलेगा, हीट कोगुलेशन मिलेगी ऑफ स्केलेटल मसल्स, रादर मसल्स इन जनरल बट मेनली स्केलेटल मसल्स, जिसको हम बोलते हैं जिंकर्स डीजनरेशन. ठीक है, तो दिस वॉज ऑल फॉर